सबसे प्रथम मैं आमंत्रित करना चाहूंगी जागृति अवस्थी को, जो कि जिन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा महर्षि विद्या मंदिर भोपाल से प्राप्त की और हायर एजुकेशन मैनेट से। इसके पश्चात बहुत बहुत बधाई जागृति अवस्थी जी को, जिन्होंने महिलाओं में पहला स्थान प्राप्त किया है। बहुत बहुत बधाई। इसके बाद निमिषा त्रिपाठी जी, खरगोन से निमिषा त्रिपाठी जी, खरगोन जिले से निमिषा त्रिपाठी जी। इसके पश्चात उर्वशी सेंगर जी, निमिषा को बहुत सारी ढेरों शुभकामनाएं। उर्वशी सेंगर जी ग्वालियर संभाग की, उर्वशी सेंगर जी। इसके पश्चात पल्लवी वर्मा जी, इंदौर संभाग की पल्लवी वर्मा। बहुत सारी शुभकामनाएं पल्लवी वर्मा जी को। और अब उज्जैन संभाग के ऋषभ रनवाल, उज्जैन संभाग के ऋषभ रनवाल। जबलपुर से अर्थ जैन, जबलपुर संभाग से अर्थ जैन जी को आमंत्रित करना चाहूंगी। इसके पश्चात देवास जिले से आयुष गुप्ता जी, देवास जिले से आयुष गुप्ता जी। इसके बाद मैं आमंत्रित करना चाहूंगी भोपाल से कार्तिक श्रोतिया को। कार्तिक जी बहुत बहुत बधाई आपको। इसके पश्चात शिवपुरी से नरेंद्र रावत जी, ढेरों शुभकामनाएं बधाई। इसके पश्चात भोपाल जिले से कृष्ण लाल चंदानी, कृष्ण लाल चंदानी जी। तालियों से स्वागत करिए, अभिनंदन करिए। इंदौर संभाग से सुमित कुमार सिंह जी, ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। बैतूल जिले से श्रेयांश सुराना, श्रेयांश सुराना जी। जबलपुर से रोहित नेमा जी, बहुत सारी शुभकामनाएं, ढेरों शुभकामनाएं आप सभी को। इसके पश्चात सिंगरौली जिले से रोहित कुमार शाह जी, सिंगरौली जिले से रोहित कुमार शाह जी। भोपाल से दीपांशु जी, दीपांशु गीत जी। इसके पश्चात इंदौर जिले से अर्जित महाजन जी, अर्जित महाजन जी। तालियों से स्वागत करिए, अभिनंदन करिए यूपीएससी में उत्तीर्ण सभी छात्रों का। गुना से विशाल धाकड़ जी। इसके पश्चात इंदौर भोपाल, भोपाल दोनों संभाग से जो बिलोंग करते हैं, श्लोक वाइकार जी, श्लोक जी। और अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी अलीराजपुर से राधिका गुप्ता जी को। तालियों से अभिनंदन करिए, स्वागत करिए। और अब जबलपुर संभाग से अहिंसा जैन, ढेरों शुभकामनाएं अभिनंदन। मैं फिर से पुनः आमंत्रित करूंगी राधिका गुप्ता जी को। राधिका गुप्ता जी। इसके पश्चात अहिंसा जैन जी, नारी शक्ति को प्रणाम है। बहुत सारी जो महिलाएं हैं, नारी हैं, उन लोगों ने यूपीएससी के एग्जाम उत्तीर्ण करके हमारे लिए बहुत बड़ा एग्जाम्पल दिया है। दामिनी दायकवार जी, सागर जिले से दामिनी जी, बहुत बहुत बधाई। और अब गुना से ज़ेबा खान जी, गुना जिले से ज़ेबा खान जी।
ढेरों शुभकामनाएं सभी अभ्यर्थियों को। हमारे लिए काफ़ी उत्साह का विषय है कि 39 छात्र छात्राओं ने यूपीएससी की परीक्षा उत्तीर्ण करी है और हमारे बीच आज 35 छात्र छात्राएं हैं जिनको हम सम्मानित करेंगे। इसके बाद मैं आमंत्रित करूंगी विनीत बंसोड़ जी को। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी अर्जित महाजन जी को, इंदौर संभाग के अर्जित महाजन जी। गुना से विशाल धाकड़ जी, गुना जिले से विशाल धाकड़ जी। और अब मैं श्लोक जी को आमंत्रित करना चाहूंगी, श्लोक वाइकर जी। बहुत सारी शुभकामनाएं, ढेरों शुभकामनाएं आपको यूपीएससी एग्जाम उत्तीर्ण करने के लिए। और अब मैं सतना जिले से विनायक जी को आमंत्रित करना चाहूंगी। और अब हमारे बीच सिंगरौली के अरविंद कुमार शाह जी, ढेरों शुभकामनाएं आप सभी को यूपीएससी परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए। भोपाल से शुभम अग्रवाल जी, तालियों से स्वागत करते रहिए। शुभम बजाज जी, विदिशा से शुभम बजाज जी। और अब मुरैना जिले से संदीप राजोरिया जी। ढेरों शुभकामनाएं, बधाइयां आप सभी को। काफी हर्ष का विषय है, गर्व का विषय है हम सभी के लिए। और अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी सतना जिले के शिवम प्रजापति जी को, सतना जिले के शिवम प्रजापति जी को। तालियों से स्वागत करिए भोपाल जिले के टी प्रतीक राव जी का, टी प्रतीक राव जी का। और अब मैं आमंत्रित करूंगी जबलपुर संभाग के प्रखर पांडे जी को, प्रखर पांडे जी। बहुत सारी शुभकामनाएं, ढेरों शुभकामनाएं। और अब नरसिंहपुर जिले के चंद्रशेखर मेहरा जी को आमंत्रित करना चाहूंगी। और अब हमारे बीच भिंड जिले से विकास सेंठिया जी, आप लोगों को ढेरों शुभकामनाएं, बधाइयां मध्य प्रदेश शासन की ओर से। बहुत बहुत बधाइयां, अभिनंदन यहाँ उपस्थित सभी अभ्यर्थियों का। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री जी, माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी। और सफलता के मंत्र समारोह में यूपीएससी में चयनित छात्रों का जहाँ सम्मान हुआ है, उसी के साथ यहाँ पर इसी उपलक्ष्य में विभाग द्वारा एक पुस्तिका भी बनाई गई है जिसका नाम है प्रतिभाओं का परचम। तो इसका विमोचन होगा, इसके लिए मैं अनुरोध करूंगी हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी एवं हमारे माननीय उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी से कि प्रतिभाओं का परचम पुस्तक का विमोचन करें एवं डिजिटल वर्जन का भी विमोचन होगा। होशंगाबाद
ये हमारे लिए गर्व की बात है कि हमारे बीच हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी, साथी में हमारे माननीय उच्च शिक्षा मंत्री जी हैं और साथी में यूपीएससी उत्तीर्ण 35 छात्र छात्राएं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। पुनः अनुरोध करना चाहूँगी हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी, हमारे माननीय उच्च शिक्षा मंत्री जी से कि एक कैंडिडेट हमारे बीच अभी उपस्थित हुए हैं, श्री अभिषेक खंडेलवाल जी होशंगाबाद से, उनको भी शॉल श्रीफल से सम्मानित करें कृपया करके। श्री अभिषेक जी आलिया से स्वागत करिए, ढेरों शुभकामनाएं बधाइयां अभिषेक जी को। ढेरों शुभकामनाएं अभिषेक जी आपको।